तो हे गाइस, आप देख सकते हैं जो ई रिक्शा में हैजा फ्लशर सिस्टम किया है मैंने। तो अगर आप इस तरीके से आपके ई रिक्शा में करना चाहती है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो किस तरीके से मैं कनेक्शन किया हूँ और वायरिंग में क्या छेड़खानी किया हूँ। तो देखिए, इसमें एक नहीं 16 पैटर्न है टोटल। तो हम अगर दो हो गया, तीन, और ये हो गया चार, चौथा नंबर की, पाँचवा, छठा, और भी बहुत सारा फीचर है इसमें जो फ्लशर मैंने लगाया है। तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी होगा। तो चलेगा इस वीडियो को करते शुरू। शुरू करने से पहले देखिए, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन उसे भी ऑल कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको लगेगा इस तरह पर एक फ्लशर जो मार्केट में नया अवेलेबल मिल जाएगा। तो और एक आप लोगों को लगेगा इस तरह की स्विच। तो अगर देखिए आपको मार्केट में नहीं मिलती है ये दो चीज़, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फ्लिपकार्ट से, आप उधर पे जाके परचेस कर सकते हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ हैंडल में स्विच को। तो देखिए, तो देखिए मैं हैंडल में डाल दिया हूँ स्विच को। स्विच डालने के बाद हम इसका वायर है मीटर के नीचे से हम लेंगे इस वायर को। ओके, तो डालना हो गया। अब देखिए इधर से आपको वायर को घुसा लेना है। तो घुसाने के बाद आपको जो एक सिंगल प्लग मिलेगा, जो 12 वोल्ट का सिंगल जैक होती है, दो एक्स्ट्रा रहती है, उसको ले लेना है। इस तरह की जैक आपको डालने के बाद आपको प्लस में देखिए उधर से देखेगा वायरिंग की तरफ से, इधर पे कुछ कलर अलग है तो उधर से आपको देखना पड़ेगा। उधर से देखिए आप प्लस में हम इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ज्वाइन करने के बाद हम टेप कर देंगे। ओके, ठीक है, टेपिंग भी हो गया हमारा। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव में हम एक स्विच की जो वायर दो निकलती है उसमें एक लगाएंगे, और दूसरा जो वायर है वो जो फ्लशर का वायर है उससे हम कनेक्ट करेंगे। तो एक कर दिया हमने ज्वाइंट, इसको भी हम कर देते टेप। ओके, तो देखिए इस दोनों को मैं टेप मार लेता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट ना हो। ये भी हो गया, ये इसको भी हम कर लेते हैं। हो गया, और जो दो ऑयल रहती है ये देखिए इस तरह से कनेक्शन होती है। तो आप घर पे किसी भी तरह के ई रिक्शा को आप जो नया वायरिंग है उसमें आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कहाँ पे डालना है ये दो वायर येलो वाला आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में तीन वायर आपको जो नया गाड़ी में देखने में लगा, तो इस वायर है इसको कट करना है। ओके, और उस उधर साइड चलिए आप दिखाती हैं हम। तो इधर साइड पर देखिए इस वायर को कटना है इंडिकेटर की। तो देखिए मैं ऑलरेडी इधर पर दोनों ही लीक करके रखा हूँ, देख सकते हैं आप। तो वो देखिए, तो इस दोनों में दोनों वायर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए ये दोनों वायर देखिए ज्वाइंट हो गया हमारा। इसके बाद हम टेपिंग करेंगे। तो देखिए टेपिंग भी हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, चलिए हम वीडियो जो हेडलाइट है, हेडलाइट को हम ढक्कन लगा देती है। दोनों साइड का नट बोल्ट होती है उसको हम डाल देते हैं। उसके बाद हम इस स्विच को ऑन करते हैं। ओके, ऑन किया, देखिए पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया। ये जो पहला पैटर्न है इसमें आपको 16 पैटर्न मिलेगा, आप चाहे तो आपका मर्जी जो सेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप सोच रहे कि जो हमारा यही होगा, तो इंडिकेटर में जो साइड हम जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो उसका इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो आप लोग को वो भी दिखाता हूँ, सभी चीज़ काम करेगा। ओके, और एक्स्ट्रा जो फीचर है फ्लशर का वो भी दिखाएंगे। ओके, देखिए इधर से बहुत सारा पैटर्न है, आप देख सकते हैं, आपका मर्जी से जो भी चाहे पैटर्न लगा सकते हैं आप। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और देखिए जो लास्ट चीज़ आप लोग को देखना है, देखिए इंडिकेटर में दिखाता हूँ अभी, इसको बंद कर दिया। देखिए मैं राइट साइड का स्विच दबा हुआ है तो उधर जल रहा है, लेफ्ट का दबा हुआ स्विच तो लेफ्ट जल रहा है। तो देखिए आप लोग अच्छी तरह से, और एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए हम इस साइड पर दिया हो स्विच तो ये जल रहा है, और बीच में कर दिया हूँ, इसके बाद इस साइड पे दे रहा हूँ तो ये भी जल रहा है। और अगर आप हैजर सिस्टम करना चाहते हैं तो इसको बंद कर देकर इसको ऑन कर दीजिए। देखिए हैजर सिस्टम चालू हो गया, गजब का ट्रिक है।
आपको अच्छा लगेगा बहुत ही।